Assalamu alaikum, I am Adnan Shoaib, faculty member at COMSAIR Institute of Information Technology, and today is our lecture number 4 regarding the course Insurance and Risk Management, FNC 710. So, we are starting with the lecture number 4. Last time, we started AC Insurance and Risk, ko start kiya hua tha, jisme hum logon ne start, attempt kiya tha in expected losses ko. एंड साथ ही हमने स्टैंडर्ड डेविएशंस कैलकुलेट की थी. फिर हमने लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद हमने एक एग्जांपल भी की थी जिसमें मैंने आपको प्रॉपर मेथड बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशंस कैसे निकालनी है और किस तरह से निकालने की है. उसमें हमने फुल स्लाइड्स पे हम लोगों ने देखा था कि हाउ वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट दैट, कि हमने उस स्लाइड्स को कैसे और किस तरह से लेके हम आगे चल रहे थे. तो हमने उसमें एग्जांपल भी की थी, कुछ एग्जांपल थी जो छोटी सी की थी जिसमें हम लोगों ने 2 और 3 थी. मैंने कहा मेनी नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज हो तो तब कैसे होगा, क्या होगा, दैट वी आर गोइंग टू सी, कि हमने उसके बाद देखते रहे थे किस किस तरह से ये आगे चल रहा है. ठीक है ना, तो उसी के आगे अब हम आगे लेके जाएंगे, इसी चैप्टर को आज फर्दर कंप्लीट करेंगे और देन वी मूव फर्दर. आज थोड़ी सी और टेक्निकल लेवल्स की चीजें देखेंगे इंश्योरेंस एंड रिस्क में, कि रिस्क में और क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, किस तरह का रिस्क इन्वॉल्व होता है, किस तरह की रीजनिंग इन्वॉल्व होती है, हर एक चीज को हमने देखना है, बड़ी डिटेल में देखना है कि क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है और किस तरह से हमने इनको वैल्यूज को आगे लेकर चलना है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्दर, कि हम लोग देखते हैं कि इसमें आगे चीजें हमारे पास क्या क्या आ सकती हैं और कैसे आती हैं. सो स्टार्टिंग विद दैट इज द लेक्चर नंबर 4, दैट इज इंश्योरेंस एंड रिस्क. फर्स्ट स्टार्टिंग विद द ऑब्जेक्टिव्स, के ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या कहते हैं. डेफिनेशन एंड बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियली इंश्योरेबल रिस्क हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि करेक्टरिस्टिक्स क्या है. एडवर्स सिलेक्शन एंड इंश्योरेंस भी देखा था, इंश्योरेंस वर्सेज गैम्बलिंग भी देखा था, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस देखा था, बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस टू सोसाइटी. अब हम जो मूव करेंगे दैट इज टूवर्ड्स द टेक्निकल लेवल, कि पायजोन्स क्या है, स्टैटिस्टिकल मैयर्स क्या है और उन स्टैटिस्टिकल मैयर्स को हम आगे लेकर कैसे मूव करेंगे, एंड दैट वी आर गोइंग टू सी, कि हम लोगों ने उन मैयर्स में क्या क्या चीजें देखनी है और किस तरह से उन चीजों को देख के हमने आगे चलना है. हर एक चीज को याद रखिएगा, वेरीड लेवल पे चेंजेस आती हैं. वेरीड लेवल का मतलब यह है कि आपके पास स्टैटिस्टिकल मैयर्स हैं जो नॉर्मली रिस्क को निकालते हैं, बिकॉज रिस्क आर नॉर्मली बेस्ड ऑन सर्टन वैल्यूज. और वैल्यूज की जब बात करते हैं तो याद रखिएगा वैल्यूज के लिए वी रिक्वायर सर्टन टाइम सीरीज, और सर्टन टाइम सीरीज रिक्वायर्स अ सर्टन कैलकुलेशंस, सर्टन वैल्यूएशंस एंड सर्टन लेवल ऑफ योर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टैट्स. अब मैं यहाँ पे आपसे ये तो नहीं पूछूंगा मीन मीडियन मोड क्या होता है, बट यू रिक्वायर दैट थिंग्स एंड ऑब्वियसली इट्स एडवांस लेवल कोर्स, ऑब्वियसली आप इससे पहले ये चीजों को देख के आए हुए कि इनको हमने किस तरह से और कैसे मेजर अप करना है. ठीक है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, जब भी रिस्क आइडेंटिफाई होता है तो याद रखिएगा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज जो आइडेंटिफाई की जाती है दैट इज अ लॉस एक्सपोजर, कि लॉस कितना है, लॉस के अंदर एक्सपोजर्स कितने हैं और उन लॉसेस में हमारे पास एक्सपोजर्स किस किस लेवल पे आ सकते हैं. जब लॉस एक्सपोजर की बात करते हैं तो याद रखिएगा पोटेंशियल लॉस दैट मे बी एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिस्क, यानी कि पोटेंशियल लॉसेज दैट मे बी एसोसिएटेड, यानी वो पोटेंशियल लॉसेज जो मे बी एसोसिएटेड हों विद स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिस्क, किसके साथ एसोसिएट हो, विद द स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिस्क, किस स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिस्क के साथ एसोसिएटेड हो, यानी कि देयर एग्जिस्ट अ पोटेंशियल लॉसेस दैट मे बी एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिस्क, क्योंकि स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिस्क को जिसके साथ वो एसोसिएटेड होती हैं, मींस टू से देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिस्क जो उसके साथ एसोसिएट होके आ रही है. ठीक है ना, पोटेंशियल लॉसेस दैट मे बी एसोसिएटेड अब कैन बी कैटेगराइज एज वेदर दे रिजल्ट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी लायबिलिटी लाइफ हेल्थ एंड लॉस, यानी कि इनमें से किसी एक टाइप से भी अटैच्ड होंगी तो दैट इज नोन टू बी एज अ पोटेंशियल लॉस, यानी कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिस्क से जो भी पोटेंशियल लॉस. अच्छा, पोटेंशियल लॉस और इनकर्ड लॉस में फर्क है. पोटेंशियल मींस जो हो सकता है, क्या मतलब है इसका, जो हो सकता है, और एक्चुअल लॉस का मतलब है जो हो चुका है,
तो वी आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअली अ पोटेंशियल लॉस. मैं किसकी बात कर रहा हूँ कि मेरे पास पोटेंशियल लॉस है और पोटेंशियल लॉस के हिसाब से मैं मेजरमेंट्स कर रहा हूँ कि ये मेरे पास मेजरमेंट्स हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं और जो एग्जिस्ट होकर सामने आ रही हैं. एंड कैन बी कैटेगराइज्ड एज टू वेदर दे रिजल्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी लाइबिलिटी लाइफ हेल्थ एंड लॉस फ्रॉम इनकम रिस्क. यानी कि किस में से लॉस हो सकता है, लॉस फ्रॉम इनकम एंड रिस्क. यानी कि लॉस हमारा इनकम से भी आ सकता है और लॉस फ्रॉम हमारा रिस्क से भी आ सकता है. यानी बोथ केसेस में वी गॉट द लॉसेस, कि हम लोग इन दोनों केसेस में लॉसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारे पास लॉसेस हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं. रिस्क आइडेंटिफाई लॉस एक्सपोजर चेकलिस्ट स्पेसिफाई न्यूमरस पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ लॉस. अब यहां पर क्या है, न्यूमरस पोटेंशियल ऑफ सोर्सेज ऑफ लॉस. अब फॉर एग्जाम्पल इफ आई वुड से कि सोर्सेज ऑफ लॉस क्या होंगे तो क्या कहेंगे. इफ यू आर एट द एमबीए लेवल और व्हाटएवर आई वुड से कि बीबी एडवांस लेवल, आपके लिए सोर्सेज ऑफ लॉसेज क्या है. जाहिर बात है देयर वुड बी मेनी थिंग्स, लैपटॉप थेफ्ट एनीथिंग एल्स. ये क्या है आपके पास सोर्सेज ऑफ लॉसेज है ना, कि आपके पास सोर्स है लॉसेज की. हाँ जी कि थेफ्ट हो गया, दैट इज चला गया, ठीक है ना. अब क्या है कि हाँ जी कोई नहीं जी स्ट्राइक होगी यूनिवर्सिटी के अंदर, स्ट्राइक होगी कि पता लगा जी कि नहीं चल रही यूनिवर्सिटी बंद हो गई है. तीसरा सोर्स ऑफ लॉस आपकी एक जगह पे एजुकेशन लॉस है, एक जगह पे दोनों चीजें हैं, एजुकेशन प्लस योर फंड्स लॉसेस इन द फॉर्म ऑफ लैपटॉप. तो ये आपके पास स्पेसिफिक न्यूमरस पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ लॉसेज हैं और ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं, यू नो दैट. एंड दीज आर द लॉस एक्सपोजर फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट और फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी. दोनों डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स भी हैं और फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी है. फॉर एग्जाम्पल आप पेपर दे रहे हो, पेपर में आपको पता लग रहा है जी कि देर इज अ चांसेस के आपको किसी और के बजाय किसी और की चीटिंग की वजह से आपको पकड़ लिया जाए. सो दैट इज अगेन बीइंग अ लीगल लाइबिलिटी जो आपके अगेंस्ट बन जाएगी. एंड दैट इज अ लाइबिलिटी रिस्क दैट एग्जिस्ट. सो दैट मीन्स के दीज आर द पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ लॉस. सम आर डिजाइन फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज. कुछ लॉसेज जो है वो एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए डिजाइन है. किसके लिए डिजाइन है, एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए डिजाइन है कि एक इंडस्ट्री में किस तरह से लॉसेस आते हैं और किस तरह से उन लॉसेस को हमने मेजर करना है, मैनेज करना है. हर चीज को हमने देखना है कि किस किस तरह से हमने यहां पे इन सोर्सेस को मेजर करना है और कैसे देखना है. सम आर डिजाइन फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्री सच एज मैन्युफैक्चरर. अब देखिए कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आ रही है, मैन्युफैक्चरर आ गई, रिटेलर्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन. इन सब चीजों के लिए याद रखिएगा यहां पे लॉस एक्सपोजर एग्जिस्ट कर रहा होता है. लॉस एक्सपोजर एग्जिस्ट करेगा तो तभी ये चीजें आगे चलती हैं, ठीक है ना. तो दीज आर ऑल रिलेटेड टू लॉस एक्सपोजर और लॉस एक्सपोजर्स को साथ रख के ही आगे चल रहे होते हैं. अदर फोकस ऑन स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ एक्सपोजर सच एज रियल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी, सच एज रियल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी. यानी अदर फोकस क्या होगा, ऑन अ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ एक्सपोजर सच एज रियल प्रॉपर्टी होती है एंड देयर आल्सो एग्जिस्ट अ पर्सनल प्रॉपर्टी, के पर्सनल प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट कर रही है और रियल प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट कर रही है. सच एज रियल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी. अच्छा अब यहां पे क्या है, रियल प्रॉपर्टी और पर्सनल प्रॉपर्टी. नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज मेंट बाय रियल प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज मेंट बाय पर्सनल प्रॉपर्टी. रियल प्रॉपर्टी भी आ रही है और पर्सनल प्रॉपर्टी भी आ रही है. When we talk about real property, किसकी बात करूं मैं, When we talk about real property means real estate property. किसकी बात करूं मैं, real estate property. और personal property की बात ये तब कर रहा हूं मैं कि that when we require a personal level property, जैसे आपकी कोई चीज है, आपकी handing है, आपकी holdings हैं, these are known to be as your personal property. And real means that is immovable. Other focus on specific category of exposure. Real property भी कोई कब्जा कर ले, that is also being there. तो दीज आर द रिस्क आइडेंटिफिकेशंस कि ये हमारे पास हैं. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें नॉर्मली हम लोग रिस्क को मेजरमेंट्स नहीं दे रहे होते, रिस्क को मेजरमेंट्स हम नहीं दे रहे होते कि रिस्क क्या है, कैसे है, किस तरह वर्क करेगा, नोबडी नोज. बट याद रखिएगा कि रिस्क की मेजरमेंट्स अगर हमने नहीं देनी तो देन देयर वुड बी एन इशू, कि वहां पे हमारे पास रिस्क आइडेंटिफिकेशंस नहीं आती हैं कि हमने. अब देखें जैसे मैंने कहा कि हाँ जी आप कहते हो जी इसमें कौन सा लॉस होगा, हर चीज में रिस्क एग्जिस्ट कर रहा होता है. इट्स अ बीइंग रियलिटी, वी ऑल नो दैट द इट्स अ रियलिटी दैट द थिंग दैट इज नोन टू बी एज शिप दैट इज टाइटैनिक एंड दे वुड से दैट नोबडी कैन डाउन इट एंड इट ड्राउन्ड. तो दैट मींस अ रिस्क ऑलवेज एग्जिस्ट्स.
रिस्क ऑलवेज एग्जिस्ट, बट द थिंग इज दैट के उन रिस्क को हमने पहले से आइडेंटिफाई करा है, चाहे छोटी सी छोटी चीज लें चाहे बड़ी से बड़ी। आइडेंटिफाइंग ऑफ अ रिस्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हर चीज में होता है। और लॉस एक्सपोजर की चेकलिस्ट होना जरूर है कि किस किस तरह से होनी चाहिए। नॉर्मली जब हम बात करते हैं किसी चीज में तो वहां पे किसी भी फोर्सेस की बात कर लें या किसी भी प्लान्स की बात कर लें, वहां एक कंटीजेंसी प्लान बनाया जाता है कि व्हाट इफ दैट वुडंट हैपन तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, व्हाट इफ दैट वुडंट हैपन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एंड व्हाट इफ वी वुडंट हैपन व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हर चीज को हम लोग देख रहे होते हैं कि ये क्या चीजें हैं। सो दैट मींस दीज आर नोन टू बी एज अ रिस्क आइडेंटिफिकेशन। क्या कहते हैं उसे हम, रिस्क आइडेंटिफिकेशन हैं, और रिस्क आइडेंटिफिकेशन उसी के हिसाब से हम आगे चल रहे होते हैं। तो यहां पे दैट इज नोन टू बी एज योर रिस्क आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाइंग ऑफ अ रिस्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी हमने रिस्क आइडेंटिफाई करना है वी आर गोइंग टू रीडू द लॉस एक्सपोजर चेकलिस्ट। कि जितनी ज्यादा चेकलिस्ट अच्छी होगी उतनी ज्यादा हमारा लॉस एक्सपोजर अच्छा होगा। रिस्क आइडेंटिफिकेशन अगेन आ गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस अनदर थिंग दैट इन्वॉल्व अ रिस्क आइडेंटिफिकेशन। ये तो बहुत बड़ा मेजरमेंट होता है कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करें और वहां से रिस्क इन्वॉल्व करें। अगर मैं पूछूं कि इस टाइम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑलरेडी आप लोग कोर्स पढ़ चुके होंगे कि कौन कौन सी रेशियोज होती हैं जो रिस्क को आइडेंटिफाई कर रही होती हैं, किस किस तरह के रिस्क को आइडेंटिफाई करके आगे चल रही होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि पहली चीज जो हमारे सामने आएगी वो क्या चीज आएगी, दैट इज लिक्विडिटी रेशियो, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी। फर्स्ट अटेम्प्ट पहली चीज जो आगे पास आएगी वो कहेगी लिक्विडिटी इश्यूज आ जाएंगे, दैट मींस रिस्क आइडेंटिफिकेशन। देन डेट टू इक्विटी रेशियो, वो भी रिस्क को बताएगा। यानी ये दीज ऑल आइटम्स जो हैं वो हमें क्या बता रहे होंगे, दैट देयर इज एन इशू विद द रिस्क आइडेंटिफिकेशन, कि हमारे पास इश्यूज हैं कि हमने रिस्क को आइडेंटिफाई करना है और कैसे करना है, और उसी रिस्क को हमने आइडेंटिफाई करना है और उसी तरह की हमने चीजों को आगे लेकर चलना है। ऑल आइटम्स ऑन द फर्म्स बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट आर एनालाइज्ड इन रिगार्ड टू रिस्क दैट मे बी प्रेजेंट। कि ऑल आइटम्स ऑन द फर्म्स बैलेंस शीट, यानी जितने भी आइटम्स हैं ऑन फर्म्स बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट आर एनालाइज्ड इन रिगार्ड टू रिस्क दैट मे बी प्रेजेंट, कि वो रिस्क को ही दिखा रहे हैं ना। देखें, मैं अगर बात करूं सिंपल रेशियो की, रिसीवेबल टर्नओवर की, तो क्या फार्मूला होता था रिसीवेबल टर्नओवर का, दैट इज नेट सेल्स डिवाइड बाय रिसीवेबल्स, यही होता था ना, है ना। अगर ये बहुत लो है तब भी नुकसान है, बहुत हाई है तब भी नुकसान है। अब मैं अगर पूछूं कि चलो जी बहुत हाई है तो ठीक है, लो का नुकसान, लो है तो ठीक है, हाई का नुकसान कैसा, भाई मुझे ये बताएं। कोई भी चीज आप किसी दुकान से उधार ले रहे हैं और वो रोज तो आपको तंग करे कि यार ये उधार वापस करो, आप दोबारा उस दुकान वाले के पास जाएंगे, ऑब्वियसली नहीं जाएंगे। सेल्स किसकी फर्क पड़ेगी, ऑब्वियसली उस दुकान वाले की फर्क पड़ेगी। तो रिस्क उसके लिए हो गया ना, ना ये ज्यादा पूरा ज्यादा होना अच्छा है ना बहुत कम होना अच्छा है, इट वुड बी ऑन द मीडियोकर लेवल। तो दैट मींस कि यहां पे हमारे पास रिस्क इन्वॉल्व है कि हाँ यार ठीक है मैं तो जीरो कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं यहां पे जनरल मोटर्स की बात करूं, जनरल मोटर्स के एक टाइम वो था कि वहां पे इतने ज्यादा रिसीवेबल्स थे जिसकी कोई हद नहीं, यानी कि मींस हर चीज दो दो साल के रिसीवेबल पड़े थे, लोग वापस ही नहीं करते थे। उन्होंने बंदा हायर किया, बंदे ने कहा जी कि मैं आपके रिसीवेबल अभी ठीक करता हूं, उस बंदे ने आपके रिसीवेबल उठा के जीरो कर दिए। क्या करना चाहिए उस बंदे के साथ, क्या किया होगा जनरल मोटर्स ने? हमें तो ये लगता है कि यार उसे तो बहुत ज्यादा उन्होंने इंक्रीमेंट्स बोनसेस एंड ऑल दैट बहुत ज्यादा बेनिफिट दिया होगा, लेकिन उस बंदे को उठा के उन्होंने फायर कर दिया था। क्यों? उसने रिसीवेबल्स तो जीरो कर दिए, सेल्स 50% पे ले आया। दैट मींस कि ये याद रखिएगा, ना रिसीवेबल्स बहुत कम होना अच्छी बात है ना बहुत ज्यादा होना अच्छी बात है, बोथ केसेस में रिस्क इन्वॉल्व है। सेम गोज विद द डेट टू इक्विटी, सेम गोज विद द फिक्स्ड एसेट टर्नओवर। अब फिक्स्ड एसेट टर्नओवर का क्या मतलब है, हम लोग कहते हैं जितना नेट सेल्स डिवाइड बाय फिक्स्ड एसेट, यही कहते हैं ना, नेट सेल्स डिवाइड बाय फिक्स्ड एसेट। अब मैं अगर इसकी बात करूं नेट सेल्स डिवाइड बाय फिक्स्ड एसेट, मैं कहूंगा जी जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, लेकिन ये भी वही बात है, टू साइडेड सोर्ड है, ना ज्यादा अच्छा होना अच्छी बात है ना ज्यादा कम होना अच्छी बात है, ना ज्यादा अच्छा होना अच्छी बात है ना ज्यादा कम होना अच्छी बात है। बोथ केसेस में देयर इज एन इश्यूज, बोथ केसेस देयर इज एन इश्यूज। अब क्या इश्यूज होंगे, मैं कहता हूं ठीक है जी नेट सेल्स तो ज्यादा अपनी फिक्स एसेट है, अगर बहुत कम होगा तो इसका मतलब है मैंने तो फिक्स एसेट की नेट वैल्यू उठाई है ना,
डेप्रिसिएशन माइनस करके, कहीं ये तो नहीं मेरे पास बड़ा पुराना एसेट पड़ा है जिसकी इतनी ज्यादा डेप्रिसिएशन हो चुकी है कि डिनोमिनेटर बहुत छोटा हो गया। तो जब डिनोमिनेटर बहुत छोटा होगा तो डेफिनेटली नेट सेल्स बढ़े ना बढ़े वैल्यू तो ऊपर ही आएगी, और बहुत कम होगा तो डेफिनेटली एसेट्स की एफिशिएंसी पे क्वेश्चन रेज होगा। तो अगेन बोथ केसेस में यहां पे भी इश्यूज आएंगे, रिस्क तो बहुत दोनों तरफ से इन्वॉल्व है कि बहुत पुराना एसेट है तो किसी टाइम भी बैठ सकता है, और जब वो किसी टाइम भी बैठ सकता है तो देन देयर इज ऑलवेज बी एन इशू कि यहां पे हमने इस रिस्क को कैसे मेजर करना है, किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि आपको मुझे, मैं कहता हूं 1960 का मैंने कोई चीज गाड़ी रखी हुई है, 90% चांस है कि अगर मैं यहां से उस गाड़ी को लाहौर लेके जाऊंगा 90% चांस है कि रास्ते में बैठेगी, नहीं चलेगी, खराब हो जाएगी, और 10% चांस है कि नहीं भी हो। लेकिन अगर कोई नई गाड़ी होती तो 90% चांस होता कि उसे कुछ नहीं होगा, 10% चांस है कि हाँ यार कुछ हो सकता है। सो दैट मींस कि यहां पे फिक्स एसेट टर्नओवर भी हमें रिस्क को आइडेंटिफाई करके बता रहे यार ये हो सकता है, यू हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ एग्जिस्टेंस इन बोथ केसेस, यानी कि वहां पे आपके पास एग्जिस्टेंस इन्वॉल्व होती है, ठीक है ना। तो ऑल आइटम्स ऑन द फर्म्स बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट्स आर एनालाइज्ड इन रिगार्ड टू रिस्क दैट मे बी प्रेजेंट, जो रिस्क है वो मे बी प्रेजेंट हो। फ्लो चार्ट्स अलाउज रिस्क मैनेजर टू पिन पॉइंट एरियाज ऑफ पोटेंशियल लॉसेस, यानी कि अलाउज फ्लो चार्ट्स भी होते हैं जो ये बता रहे होते हैं कि मैनेजर्स टू पिन पॉइंट एरिया ऑफ पोटेंशियल लॉसेस। अब फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, अगर मैं कहूं कि हाँ जी एरिया ऑफ लॉसेस क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से एरियाज हैं, वो भी फ्लो चार्ट्स बता रहे होते हैं। फ्लो चार्ट्स मींस के जो आपको बता रहे होते हैं, अच्छा ठीक है जी ये प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन ये है, हाँ इस जगह पे रिस्क इन्वॉल्व है, यानी यहां पे हमारे पास लॉसेस आ सकते हैं। ओनली थ्रू केयरफुल इंस्पेक्शन ऑफ एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस कैन बी फुल रेंज ऑफ लॉस एक्सपोजर बी आइडेंटिफाइड, सिर्फ अगर आप प्रोडक्शन प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर लें। याद रखिएगा आपको कंप्लीट एक्सपोजर ऑफ एवरीथिंग मिल जाएगा, हर चीज का एक्सपोजर आपके सामने आ रहा होगा कि दैट हाउ वी आर गोइंग टू एक्सपोज इट एंड हाउ वी आर गोइंग टू फॉलो इट, ठीक है ना। तो जिस तरह भी एक्सपोज कर रहे होंगे उसी तरह की हम यूजेज में ला रहे होंगे, ठीक है ना। और फुल रेंज ऑफ लॉसेज एक्सपोजर्स भी आइडेंटिफाई के, फुल रेंज ऑफ लॉसेज की हम एक्सपोजर्स की तरफ जाएंगे कि किस तरह से हमने एक्सपोजर्स की तरफ लेकर जाना है। फ्लो चार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, अब देखिए फ्लो चार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस को देखिएगा। स्टेज वन पार्ट एंड मटेरियल डिलीवर्ड टू अनलोडिंग एरिया, कि पार्ट्स एंड मटेरियल डिलीवर किया अनलोडिंग एरिया है। अब यहां पे क्या है, डिले हो जाए लोडिंग में डैमेजेस आ जाए, देन रिस्क है ना, अगेन अनलोडिंग में डैमेज आ गए, ठीक है। पार्ट्स मटेरियल मूव टू स्टोरेज बिल्डिंग, कुछ गए हैं वहां अगेन डैमेजेस आ जाए। पेंटिंग प्रोसेसिंग एंड ड्राइंग, कि पेंटिंग प्रोसेसिंग ड्राइंग, पता लगा जी पेंटिंग प्रोसेसिंग ड्राइंग में भी इशू आ गए, क्या आ गया जी पेंट हुआ है पेंट ठीक नहीं हुआ, देन अगेन देयर इज अ रिस्क ऑफ लॉस हो सकते हैं, देयर इज अ चांसेस दैट द इवेंट विल अकर। यानी हर चीज में देखिए, हम लोग नॉर्मली कहते हैं जी देयर इज अ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, बट व्हेन वी टॉक अबाउट रिस्क आइडेंटिफिकेशंस वी रिक्वायर अ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, हमें नेगेटिविस्ट पॉइंट ऑफ व्यू भी रिक्वायर्ड होता है। अगर हमें नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रिक्वायर्ड होगा तो याद रखिएगा वी वुडंट आइडेंटिफाई अ रिस्क, हम रिस्क को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और रिस्क को जब मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता तो देन देयर वुड बी एन इश्यू के यहां पे मैं रिस्क को किस तरह से और कैसे मेजर करूंगा, हाउ आई एम गोइंग टू आइडेंटिफाई एंड हाउ आई एम गोइंग टू वैल्यू इट। मूव फ्रॉम मशीनिंग एंड क्लीनिंग, क्या करेंगे, मशीनिंग एंड क्लीनिंग से मूव किया और मैं उसे आगे ले गया, क्या किया मूव फ्रॉम मशीन एंड क्लीनिंग, कि उसे मैं मशीनिंग से क्लीनिंग की तरफ ले गया। कि जब मैं मशीनिंग से उसे क्लीनिंग की तरफ लेके गया तो याद रखिएगा वहां से मैंने उसे मूवमेंट स्टार्ट कर दी कि यार देयर एग्जिस्ट अ मूवमेंट। स्टेज फाइव, अब क्या आ रही है वो, मूव फ्रॉम सब असेंबली टू फ्लोर, यानी कि अब हमने सब असेंबली फ्लोर पे गया, पता लगा जी सब असेंबली फ्लोर पे गया तो पता लगा जी कुछ तो क्लीनिंग ठीक नहीं हुई, वापस जाएगा और एडिशनल चल गया, पता लगा वहीं पे डैमेजेस आए हैं, वहां से दोबारा सारा का सारा कॉस्ट पड़ी, लॉस एक्सपोजर आ गया। मूव टू मेन असेंबली फ्लोर, असेंबली फ्लोर पे गया पता लगा जी प्रीवियस कॉस्ट डबल हो चुकी है बिकॉज स्पॉइलेज और मेंटेनेंस आ गई थी, रीवर्क आ गया था इक्विपमेंट्स में। जब रीवर्क आ गया इक्विपमेंट्स में तो दैट मींस कि दैट रिक्वायर अ सर्टेन लेवल ऑफ योर रिस्क आइडेंटिफिकेशन। स्टेज सेवन फिनिश्ड प्रोडक्ट टेस्टिंग, अब टेस्टिंग हो रही पता लगा आधे प्रोडक्ट्स तो चल नहीं रहे, एंड इट इज पॉसिबल हमारे अगर बात करते हैं दैट फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर मेकिंग अ मिसाइल्स और एनीथिंग इन आर स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन, जरूरी तो नहीं सारे मिसाइल चलेंगे, पता लगा जी सब कुछ बनाया बहुत सही है, पता लगा जी उड़ाया आधे मीटर बाद गिर गया, वट डज दैट मीन, दैट मीन्स टेस्टिंग इज फेल्ड,
all losses are being charged, lost exposure is there. Then finish goes to finished product storage mein gaye, pata laga ji aadhi units spoiled ho gayi hain, perishable thi spoil ho gayi hain. Ab pata laga jab bani hai to nahi ji koi naya model aa gaya, so that means all finished goods would be storage has been drowned. क्योंकि फिनिश गुड स्टोरेज जो है वो ड्राउन हो गई है, खत्म हो गई है. स्टेज 9, फिनिश प्रोडक्ट शिपिंग एरिया. क्या हो गया, फिनिश प्रोडक्ट्स को शिप किया और शिपिंग एरिया से आउट कर दिया, यानी फिनिश प्रोडक्ट्स आ गई और शिपिंग एरिया से हमने उसे आउट कर दिया, यानी कि फिनिश प्रोडक्ट से आउट कर दिया. और स्टेज 10 क्या आ रही है, फिनिश प्रोडक्ट लोडेड इन टू ट्रक. फिनिश प्रोडक्ट लोडेड इन टू ट्रक, पता लगा फ्रेजाइल चीजें थी, आधी चीजें डब्बे में टूट गई, that is also being a part of risk. तो ये क्या, these are exposed to losses. पता ही theft होना शुरू होगी, पता लगा जी bag से लोगों ने warehouse को खोला और truck ले कहीं और लेके निकल गए. तो that means these all are the part of your finished goods products. यानी ये finished goods के हिसाब से चल रही हैं और finished goods products के हिसाब से चल रही हैं. और उसी के हिसाब से हम इसे आगे valuations या measurements कर रहे हैं कि that how we are going to value it. और जिस तरह भी मैं value करूँगा उसी के हिसाब से हम इसे value आगे लेकर चलेंगे. नाउ अगेन रिस्क आइडेंटिफिकेशन, अभी बैलेंस शीट एनालिसिस देख लिया, फ्लो चार्ट्स देख ली, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स फर्स्ट फर्दर आइडेंटिफिकेशन, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस. किसकी किसकी बात कर रहे हैं हम, कि जब व्हेन वी आर गोइंग टू एनालाइज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट यूजुअल फॉर कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेट दैट सम लॉसेस इफ दे अकर आर नॉट बीइंग बॉर्न बाय स्पेसिफिक पार्टी. जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं या लीजिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो इट्स बीइंग अंडरस्टूड कि जब भी हमने लीजिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो वहां पर कोई ना कोई होता ये है कि वहां पे नहीं लिखा जाता कि हाँ ये घर गिर गया तो किसकी जिम्मेदारी है या इसमें कुछ हो गया तो कौन है. तो वहां पे आप लिखा जाता है कि मे बी नॉट बॉर्न और मे बी बॉर्न बाय सर्टेन पार्टीज. तो देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व्ड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट. आप एम्प्लॉयमेंट में होते हैं, एम्प्लॉयमेंट में बहुत सारे ऐसे रिस्क होते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल आप किसी बैंक के कैशियर है, पता लगा आपने कैश किसी को वापस, किसी ने 10,000 का चेक लेके दिया, आपने 10,000 के क्या नाम है उसे 10 नोट देने के बजाय 10,000 के 20 नोट दे दिए 500 समझ के, तो पता लगा 10,000 का तो नुकसान हो गया. तो उसमें आपके कॉन्ट्रैक्ट में अगर लिखा है कि अगर आपसे कोई गलती होगी तो आपसे पे करना है, तो दैट मींस कि 10,000 कहां से पे होंगे, डेफिनेटली आपके पास से पे होंगे. सो दैट मींस कि अगर हम यहां से बात करें तो ये दैट मींस दीज आर बॉन्ड बाय द स्पेसिफिक पार्टीज, कि ये स्पेसिफिक पार्टीज हैं जो इसको बॉन्ड करेंगी और इसको इन्वॉल्व करेंगी, ठीक है ना. मे बी फाउंड इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये कब फाउंड हो सकता है, दैट कैन बी फाउंड इन अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में फाउंड हो सकता है, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड लीज एग्रीमेंट में भी आइडेंटिफाई हो सकता है. यानी कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में भी, हाँ जी अगर बनते हुए बिल्डिंग डूब गई तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे. सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में भी होगा कि जैसे हम सेल्स रिसीट सेल कॉन्ट्रैक्ट के, हाँ जी खरीदी हुई चीज वापस नहीं जाएगी, दैट इज अ रिस्क. पता लगा जी घर लेके जाए तो पता लगा चीज खराब थी या स्मॉल थी, ऑल दीज आर नोन टू बी एज अ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट. एंड लीज एग्रीमेंट्स आर ऑल्सो बींग देयर, कि लीज एग्रीमेंट्स भी आ जाए जो लॉसेस की तरफ लेके जा रहे. आइडियली द स्पेसिफिकेशन ऑफ हु इज टू पे फॉर वेरियस लॉसेस, यानी आइडियली क्या है, स्पेसिफिकेशन ऑफ हु इज टू पे फॉर वेरियस लॉसेस, कि किन लॉसेस के लिए कौन पे करेगा, शुड बी कॉन्शियस डिसीजन दैट इज मेड एज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन प्रोसेस. यानी कि अगर ये लॉसेस हुए तो कौन पे करेगा, दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन प्रोसेस, कि नेगोशिएशन का पार्ट हो. डिसीजन शुड बी रिफ्लेक्ट द कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ ईच पार्टी इन मैनेजिंग एंड बीयरिंग रिस्क, यानी कि आपके जो डिसीजन लिया जाए वो बताए कि कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ ईच पार्टी क्या है, हर पार्टी को क्या कंपैरेटिव एडवांटेज है इन मैनेजिंग एंड बीयरिंग दिस रिस्क, कि इस रिस्क को बियर करने में हर एक पार्टी की क्या इन्वॉल्वमेंट है और वो कैसे इस पार्टी को इन्वॉल्व या एक्वायर कर सकती है. ऑन साइट इंस्पेक्शन, कि समटाइम्स रिस्क आइडेंटिफाई होता है ऑन साइट इंस्पेक्शन से भी, ये क्या ऑन साइट की एक्सपेंशन है. उसी के साथ ड्यूरिंग दीज विजिट्स इट कैन बी हेल्पफुल टू टॉक विद डिपार्टमेंट मैनेजर, कि आप उससे बात करें एंड अदर एम्प्लॉयज रिगार्डिंग देयर एक्टिविटीज. समटाइम्स आप उसमें ही रिस्क निकल आता है, कोई कहता है जी हम तो ये काम जो है वो बेयर हैंडेड से कर रहे हैं, बहुत बड़ा रिस्क है, पता लगा जी मशीन के नीचे. फॉर एग्जाम्पल आप बिस्किट फैक्ट्री में जाते हैं, वो कहते हैं जी हम तो बिस्किट बेयर हैंडेड से उठा रहे होते हैं. अब जारी बात है बेक बिस्किट है, गरम हुआ हाथ जलेंगे, तो दैट इज ऑल्सो बींग अ रिस्क दैट इज इन्वॉल्व. ये सारी चीजें हैं जो रिस्क में इन्वॉल्व हैं. अब
तीसरी चीज जो इन्वॉल्व है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ पास्ट लॉसेस. किसकी बात कर रहा है? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करें ऑफ पास्ट लॉसेस. कैन यूज अ रिस्क मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम टू असिस्ट इन परफॉर्मिंग दिस टास्क. कि समटाइम्स आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए रिस्क मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रख लेते हैं जो कि इसमें चल रहे होते हैं टू असिस्ट इन परफॉर्मिंग द टास्क. जो क्या करेंगे? असिस्ट करते हैं इन परफॉर्मिंग दिस टास्क. इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो असिस्ट कर रहे होते हैं कि हाँ जी हमारे पास इतनी परफॉर्मेंस करनी है और इतनी परफॉर्मेंस के लिए हमारे पास इतने टास्क हैं. एज दी सिस्टम्स बिकम मोर सोफिस्टिकेटेड एंड यूजर फ्रेंडली. ये सिस्टम क्या हो जाते हैं? मोर सोफिस्टिकेटेड एंड यूजर फ्रेंडली. इट इज एंटीसिपेटेड दैट मोर बिजनेस विल बी एबल टू यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. वो कह रहा है एज दी सिस्टम बिकम्स मोर सोफिस्टिकेटेड एंड यूजर फ्रेंडली. क्या होते हैं ये? यूजर फ्रेंडली. इट इज एंटीसिपेटेड दैट मोर बिजनेसेस विल बी एबल टू यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन देयर रिस्क मैनेजमेंट एनालिसिस. यानी रिस्क स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बगैर आप रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज को नहीं आइडेंटिफाई कर सकते और नहीं देख सकते. बिकॉज यू रिक्वायर आर स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स. किस तरह से आपने स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स को लेकर आगे चलना है. नाउ अनदर थिंग इज द रिस्क वैल्यूएशन. रिस्क वैल्यूएशन किस तरह करनी है? वंस अ रिस्क इज आइडेंटिफाइड द नेक्स्ट स्टेप इज टू एस्टिमेट बोथ फ्रीक्वेंसी एंड सिवियरिटी ऑफ पोटेंशियल लॉसेस. क्या आपने एक बार रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, उसकी सिवियरिटी या उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस क्या है और वो किस तरह से अकर होगा? How we are going to identify its frequency and severity of potential losses? कि किस तरह से उसकी potential losses को हमने देखना है? Maximum probable loss and estimate of likely severity of loss that occur. यानी कि an estimate बनाया जाए of likely severity of losses that occurs. कि कितनी हमारे पास severity of losses हैं? That occurs. यानी कितनी हमारे पास है? यानी कि problem loss कितना maximum हो सकता है? Higher side पे कितना हो सकता है? भाई आप कहते हैं जी ये दीवार शायद गिर जाए, आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा? छत भी गिर जाएगी, उससे मैक्सिमम क्या होगा? ऊपर वाली फ्लोर भी नीचे आ जाएगा. दैट मींस मैक्सिमम प्रोबेबल लॉस निकाल रहे. मिनिमम क्या है? हाँ जी सिर्फ ये दीवार गिरी तो वहां पे जो बीम है वो रोक देगी. सेम गोज विद एवरीवन. आप कहते हो जी मैंने 12 रुपए का शेयर खरीदा है, इसकी वैल्यू नीचे जाएगी. मैक्सिमम वैल्यू कितनी नीचे जाएगी? जीरो तक जाएगी. तो 12 का मैक्सिमम लॉस है. दैट इज नोन टू बी एज अ मैक्सिमम प्रोबेबल लॉसेस. कितने हैं जो मैक्सिमम प्रोबेबल लॉसेस में आ रहे हैं? एंड इसी तरह मैक्सिमम पॉसिबल लॉसेस कितने? एन एस्टिमेट ऑफ कैटास्ट्रोफिक पोटेंशियल एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर एक्सपोजर ऑफ रिस्क. कैटास्ट्रोफिक पोटेंशियल मींस कि इससे कितना कोई सी चीज तबाह कर सकती है मैक्सिमम. वहां तो प्रोबेबिलिटी आ गई ना, कितने चांसेस हैं. यहां पे वो कहता है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, एंड तक क्या जा सकती है कि अगर हम कैटास्ट्रोफीज को भी बीच में ले आऊं तो तब मेरे पास क्या चीजें एग्जिस्ट करेंगी. मोस्ट फर्म्स अटेम्प्ट्स टू बी प्रिसाइज इन इवैल्यूएटिंग रिस्क. समटाइम्स जो कुछ फर्म्स जो होती हैं वो बड़ी प्रिसाइज होती हैं इन इवैल्यूएटिंग दीज रिस्क. कि इन इवैल्यूएटिंग इन वैल्यूएशंस वो बड़ी प्रिसाइज होती हैं कि वो इनको इवैल्यूएट किस तरह से और कैसे करें, और इनको इवैल्यूएट करें तो वो किस बेसिस पे करें और किस तरह से सेट आउट करें. तो याद रखिएगा मोस्ट फर्म्स अटेम्प्ट टू बी प्रिसाइज इन इवैल्यूएटिंग रिस्क. बड़ी प्रिसाइज होती हैं कि इनको मैंने कैसे इवैल्यूएट करना है. बिकॉज देखें ये अगर आपके पास वैल्यूएशंस नहीं है तो वो बहुत सारी डिफरेंस होती हैं. समटाइम्स आप रिस्क की ओरिजिनल रूट को आइडेंटिफाई नहीं करते बल्कि उसके सिम्टम्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं. इसीलिए फर्म्स बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करती हैं कि आप प्रिसीजन ऑफ इवैल्यूएटिंग रिस्क की तरफ जाएं. किस तरफ जाएं? प्रिसीजन फॉर इवैल्यूएशंस ऑफ रिस्क. कि एक रिस्क को मैंने किस तरह और कैसे इवैल्यूएट करना है और जिस तरह भी वो evaluate होगा that I am going to see. Now common to use probability distribution and statistical technique. यानी वो कह रहा है कि now common to use probability distribution and statistical techniques in estimating loss frequency and severity. यानी कि हम क्या करते हैं? commonly use probability distributions and statistical techniques in estimating loss frequency and severity. कि loss frequency और severity को हम लोग देख रहे होते हैं कि हम लोगों ने उस loss frequency और severity को हमने कैसे और किस तरह से identify करना है. ठीक है. Now common to use probability distribution and statistical techniques in estimating loss frequency and severity. कि हम लोग statistical techniques use करेंगे for estimation of loss and severity. कि लॉस एंड सिवियरिटी के लिए हमने स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करनी है जिसने हमें गाइड करना है कि हमने किस तरफ और कैसे निकल के किस तरह से आगे जाना है. रिस्क मैपिंग और प्रोफाइलिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट एस्टिमेशन. कि रिस्क मैप करें कहां से आ रहा है. आप कहते हैं जी प्रोडक्शन कम हो रही है, हम कहते हैं जी प्रॉब्लम इज प्रोडक्शन कम. पता लगा जी अब आधे एम्प्लॉय तो आपके स्ट्राइक पे बैठे हुए, प्रोडक्शन थोड़ी मसला है, आपके तो एम्प्लॉय मसला है.
सो दैट मींस आपने रूट करें आप रिस्क की, कि रिस्क बेसिक कहां से आ रहा है, वो चीज पे आप हिट करें रादर देन आप सेंटर में से उठाएं. तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क मैपिंग, कि देयर वहां पे रिस्क मैपिंग को हम यहां पे नहीं लेते. इन्वॉल्व्स अरेंग रिस्क इन अ मैट्रिक्स, यानी कि इन्वॉल्व्स क्या किसको करते हैं, अरेंग ऑफ रिस्क, रिस्क को अरे कर देते हैं इन अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में ले आते हैं. विद वन डायमेंशन बीइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट्स, जिसमें से एक डायमेंशन क्या होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट्स, एंड अदर डायमेंशन इज सिवियरिटी. यानी अरेंग ऑफ इन्वॉल्व्स अरेंग ऑफ रिस्क, जिसमें क्या है फ्रीक्वेंसी किस स्पीड से अकर हो रहा है, और डायमेंशन ऑफ सिवियरिटी कितनी, क्या बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन शट डाउन हो सकती है, या बहुत लिमिटेड है, या बहुत लिमिटेड है और बहुत ज्यादा कम सिवियरिटीज की एग्जिस्ट हो सकती है. सिवियरिटी मीन्स व्हाट इज द लेवल ऑफ लॉसेस, लॉसेस का लेवल क्या है, और किस लेवल के लॉसेस को हम लोग इसमें लेकर आगे चल सकते हैं, कि व्हाट आर द लेवल्स ऑफ लॉसेस, कि जितने ज्यादा लॉसेस होंगे उसी के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चलेंगे. ईच रिस्क इज मार्क्ड टू इंडिकेट वेदर इट इज कवर्ड बाय इंश्योरेंस और नॉट. कुछ रिस्क आराम से कवर्ड अप बाय इंश्योरेंस हो सकते हैं, कुछ रिस्क कवर्ड बाय इंश्योरेंसेस नहीं हो सकते. जैसे बहुत बड़े लॉसेज हैं कि आपको पता है कि कई ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस है, तो अंडरस्टूड सी बात है एक इंश्योरेंस कंपनी के बस की बात नहीं है कि उस लॉस को कवर करे, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर वो लॉस हो गया तो कंपनी अपने आप को बेच के भी अगर वो पूरा नहीं कर पा रही, तो दैट मींस वो कंपनी इस काबिल ही नहीं है कि 3 or 4 trillions of dollars ऑफ लॉसेस को वो बर्दाश्त कर सके. तो जब वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो दैट मींस कि यहां पे हमारे पास एक इंडिकेशन है कि यहां पे सिवियरिटी बहुत हाई है. और इसीलिए कहते हैं कि ईच रिस्क इज मार्क्ड वेदर इट कुड बी कवर्ड इन इंश्योरेंस और नॉट, कि क्या वो कवर अप इन इंश्योरेंस हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, या उसमें कोई और चीज भी रिक्वायरमेंट में आती है. Now there are certain statistical concepts that are being required, कि जिन्हें हम लोग देखें कि हाँ जी ये concept हैं जिन्हें हमें required हैं और जिनको हमने देखना है कि ये concepts होंगे. So then we are going to move further कि हमारे पास कितनी हमारे पास losses या कितने हमारे पास concepts आ रहे हैं. First is the probability. Already मैंने बताया था 1666 में first time probability आई थी. Long term frequency of occurrence, कि क्या probability है उसके occurrence की, उसने किस तरह से प्रोबेबिलिटीज जनरेट करनी है फॉर अकरेंस, कि किस तरह से उसने अकर होना है और किस तरह से उसने अकर होके आगे चलना है. द प्रोबेबिलिटी इज जीरो फॉर एन इवेंट दैट इज सर्टन नॉट टू अकर, यानी कि किसी चीज की अगर प्रोबेबिलिटी जीरो है तो अंडरस्टूड सी बात है कि वो होनी ही नहीं है, वो हो ही नहीं सकती. सो दैट मींस देयर इज सर्टन प्रोबेबिलिटी, दैट मींस द इवेंट इज सर्टन नॉट टू अकर. The probability is when the event is certain to occur. यानी कि अगर, यानी in other words, इसका मतलब क्या है? That is 0% and that one means 100%. यानी वो क्या है? हमारे पास 0% है and other one is 100%. The probability is when for an event that is certain to occur. यानी जिस पे आपको confirm है कि that is going to occur, that is certain to occur. To calculate the probability of an event, the number of times a given event occur is divided by all possible event of that time. अब यहां देखें पूरा फार्मूला एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है. You have to develop a formula. Calculate probability of an event is the number of time given event occur, number of occurrence is divided by all possible events that is known to be as your probability. क्या कहलाएगी ये? That is your probability कि हाँ जी ये मेरी probability और इसी probability के हिसाब से ही हमारी existence लाइक करती है, कि हमारे पास ये existence है और इसी के हिसाब से हमने इस value को आगे लेकर चलना है, यानी all possible है. Then next thing that comes in the mind is the probability distribution. Mutually exclusive and collectively exhaustive list of all events that can result from chance process. यानी कि collectively जितने भी all events की आप list बनाएं, that can result from chance process, कि जो chance पे occur हो सकते हैं, that has the chance of occurrence, कि जिनके पास क्या है, chance of occurrence exists कर रहा है. Contains the probability associated with each event. क्या करते हैं? Contains the probability of each event, कि हर event की probability को वो contain करते हैं और उसकी occurrence की तरफ जा रहे होते हैं, कि हाँ जी इतनी occurrence उसकी आ सकती है या इतनी occurrence उसकी हो सकती है. तो जब उसकी चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ ईच इवेंट आ रहे हैं, तो दैट मींस कि वहां पे हमारे पास एसोसिएटेड विद, दैट इज द प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद ईच इवेंट, कि हर इवेंट से उसकी प्रोबेबिलिटी एसोसिएशंस एग्जिस्ट कर रही हैं, दैट इज हाउ दीज आर बीइंग एसोसिएटेड विद ईच इवेंट, कि हर इवेंट से वो प्रोबेबिलिटी कैसे और किस तरह से एसोसिएटेड हो रही है.
स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट और क्या चाहिए होती है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और लोकेशन, मेजर ऑफ सेंटर ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन मीन सम ऑफ सेट ऑफ मेजरमेंट. दिस मीन मीडियन मोड इज नोन टू बी एज योर सेंट्रल टेंडेंसी. क्या कहते हैं उसे हम, दैट इज नोन टू बी एज योर सेंट्रल टेंडेंसी. ये हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी है कि एक चीज ने कितना मूव करना है, तो उसमें मेजरमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी भी आ जाती है, मीन भी आ जाता है, मीडियन भी आ जाता है एंड मोड भी आ जाता है. यानी मीन मीडियन मोड ऑल आर देयर. यानी मीन भी है, मीडियन भी है, मोड भी है, एवरीथिंग इज देयर, बट इन द नेक्स्ट टाइप ऑफ थिंग्स कि हमारे पास कितनी चीजें हमारे पास इसके अलावा एग्जिस्ट कर रही है. ठीक है ना. तो सेंट्रल टेंडेंसी में ये चीजें आती हैं, मेजर द सेंटर ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. क्या आपकी सेंटर क्या है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज नोन टू बी एज अ अनदर थिंग दैट इज नोन टू बी एज अ मीडियन, जो ऑलरेडी आप स्टैट से पढ़ चुके हैं, दैट इज मीडियन. और मीन इज द सेट ऑफ एन एन मेजरमेंट डिवाइडेड बाय एम, यानी सम ऑफ सेट ऑफ एन मेजर, यानी कि समेशन ऑफ एन होल डिवाइडेड बाय एन, कि जितने भी मेजरमेंट्स हैं उनका समेशन ले लें और उसके बाद डिवाइड कर दें, तो दैट इज नोन टू बी एज योर मीन. क्या कहलाता है वो, कि ये हमारे पास मीन वैल्यू है और मीन वैल्यू के हिसाब से ही हम उसे आगे लेकर चल रहे हैं. एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एक्स बार, दैट इज द डोनेशन फॉर मीन. याद रखिएगा, दैट इज द डोनेशन फॉर मीन, कि मीन को हमने किस तरह डिनोट करना. अब ये क्या है, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अप टू एक्स एन डिवाइडेड बाय एन, यानी एक्स वन से एक्स एन तक डायरेक्ट डिवाइड बाय एन है, यानी x1 से xn तक जाना है एंड डिवाइड बाय n, यानी कि nth टर्म तक हम इसे लेकर आगे तक जा रहे हैं. तो दैट इज नोन टू बी एज योर स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स, कि ये हमारे पास स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स में आते हैं, कि ये हमारे पास है दैट इज x1 टू xn डिवाइड बाय n. नाउ देयर ऑलरेडी मैं डिस्कस कर रहा था कि मीडियन भी आता है, मोड भी आता है. ये दीज आर द टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. इसे क्या कहते हैं हम, कि ये हमारे पास किसकी डिस्कशन में आ रहे हैं, दीज आर ऑन द साइड्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि ये हमारे पास एक तरह से सेंट्रल टेंडेंसीज बता रहे हैं कि हमारे पास एक चीज की सेंट्रल टेंडेंसीज कितनी है और कैसी है. मिड पॉइंट इन अ रेंज ऑफ मेजरमेंट, क्या है ये, मिड पॉइंट है इन द रेंज ऑफ मेजरमेंट, कि ये हमारे पास रेंज ऑफ मेजरमेंट्स में आ रहे हैं एंड दैट इज नोन टू बी एज आर मिड पॉइंट्स. यानी मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 9 12 16 18, मैं कहूं इसका मिड पॉइंट क्या है, तो यहां पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो सेंटर की दो वैल्यूज कौन सी हैं, तीन वैल्यूज यहां की छोड़ दें, तीन वैल्यूज यहां की छोड़ दें, पीछे क्या बचा, ये बचाना. अब मैं क्या करूंगा, इसमें मैंने मीडियन निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, 4 प्लस 9 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ रहा है, दैट इज ऑफ 13 डिवाइड बाय 2, दैट इज ऑफ ऑलमोस्ट 6.5 आ रहा है. तो जब 6.5 है, दैट मींस माय मीडियन इज 6.5. लेकिन अगर कोई ऐसी सीरीज है 1 2 5 9 10 13 15, तो अब यहां तीन इधर की वैल्यूज निकाल लें, तीन इधर की वैल्यूज निकाल लें, तो डेफिनेटली इसका मीडियन क्या है वो निकालने की जरूरत नहीं है, दैट इज 9. उसका मीडियन क्या है, दैट इज 9. हाफ ऑफ द आइटम्स आर लार्जर एंड हाफ ऑफ द आइटम्स आर लोअर. अब देखें, हाफ ऑफ द आइटम्स आर लार्ज स्मॉलर एंड हाफ ऑफ द टाइम्स आर बिगर, नॉट ग्रेटली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज. ये ज्यादातर अपनी एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्टेड नहीं होते, कि अपनी एक्सट्रीम वैल्यूज को ये हमेशा नहीं छोड़ते, एक्सट्रीम वैल्यूज के साथ ही चलते हैं और उसी के साथ ये वेरी कर रहे होते हैं. मोड, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट अकर्स मोस्ट ऑफन इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. यानी कि मोड क्या है, हमारे पास वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल्स, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स हैं दैट अकर्स मोस्ट ऑफन इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब मैं यहां पे कहूं 1 5 9 1 1 3 5 9 5 4 3 5 8 9 5 9 8 9. अब यहां पे देखें तो मोड कौन सा है, विच हैज द मोर फ्रीक्वेंसी, 5 5 5 5 4 है, 1 9 9 9 4 है, ये भी 3 3, इसका मतलब है 9 और 5 आपके पास क्या है, मोड, जो रिपीटेड फ्रीक्वेंसीज में आ रहा है. क्या आ रहा है, वो रिपीटेड फ्रीक्वेंसीज में आ रहा है. तो जो चीज रिपीटेड फ्रीक्वेंसीज में आ रही है, तो याद रखिएगा वो वहीं पे आपको मोड की तरफ लेकर जाएगी और वही मोड की तरफ उसे आगे लेकर मूव करती रहेगी. मेजर ऑफ वेरिएशंस और डिस्पर्शंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज क्या हमारे सामने आती है, दैट इज नोन टू बी एज आर स्टैंडर्ड डेविएशन.
क्या चीज आती है हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो हमें कहती है कि व्हाट आर द, अब इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द वेरिएशंस फ्रॉम इट्स मीन, कि अपनी मीन से कितनी वेरिएशन है, एंड दैट इज बीइंग अंडरस्टूड कि स्टैंडर्ड डेविएशन फॉलोस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या चीज फॉलो करती है, दैट इज नोन टू बी एज जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. मेयर्स हाउ ऑल अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मेयर इज टू इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन, यानी कि ऑल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मेयरमेंट इज टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ और मीन, यानी कि कितनी वेरिएशन आ रही है फ्रॉम इट्स मीन. फर्स्ट डिटरमिन द मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू, पहला काम क्या करते हैं इसमें, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी कराया था. देन सेपरेट द मीन फ्रॉम ईच इंडिविजुअल मैन, कि जिसमें हमने कहा था v माइनस v बार, इफ यू आर पीपल रिमेंबर दैट, तो उसमें क्या था, हमने ओरिजिनल वैल्यू में से इंडिविजुअल एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने माइनस की. एट द स्क्वायर डिफरेंसेस, कि जो भी स्क्वायर डिफरेंसेस आ रहे हैं उनको टुगेदर करें, यानी उसके बाद हमने क्या किया था, इसके स्क्वायर लिया था और उसके बाद हमने इन सबको ऐड कर दिया था, ठीक है ना. प्रोबेबिलिटी थी तो मल्टीप्लाई कर दिया था पहले प्रोबेबिलिटी से, फिर प्लस कर दिया था, तो वो यहां पे आप उसके बाद भी कर सकते हैं, यानी रिक्वायर्ड स्क्वायर डिफरेंसेस टुगेदर एंड डिवाइड सम, और डिवाइड किससे कर दिए, सम से डिवाइड कर दिए, और यहां पे हमारे पास वैल्यू आ गई. और उसके बाद हमने जब इसका स्क्वायर रूट लिया था तो हमारे पास क्या चीज बन गई थी, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशंस. क्या बन गई थी हमारे पास, दैट इज नोन टू बी एज आर स्टैंडर्ड डेविएशंस, के हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशंस हमारे सामने नजर आ रही थी कि हाँ यार इतनी स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं जो हमारे सामने एग्जिस्ट कर रही हैं. इसी के साथ साथ एक और चीज आती है, दैट इज नोन टू बी एज अ स्टैंडर्ड डेविएशन, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसे हम लोग कहते हैं, दैट इज नोन टू बी एज अ सीवी. क्या कहते हैं उसे हम, सीवी, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ मीन. और इसके लिए बड़ा आसान होता है, दैट इज मीन, दैट इज सिंपल, वैल्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू मीन, यानी परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पर यूनिट ऑफ मीन, कि अगर एक यूनिट की चेंज आएगी तो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी इंक्रीज कर सकती है. दिस इज नोन टू बी एज अ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस. क्या कहते हैं इसे हम, दैट इज नोन टू बी एज योर कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएशंस, कि ये हमारे पास क्या चीज है, दैट इज नोन टू बी एज आर coefficients of variations, कि जब भी हम coefficient of variations की बात करते हैं, that is means percentage of standard deviation per unit of means, कि यानी एक unit अगर मेरा mean ऊपर नीचे होगा तो मेरी कितनी standard deviation ऊपर होगी, यानी कितनी standard deviation आगे जाएगी या ऊपर जाएगी, तो जितनी भी जाएगी उसी के हिसाब से हम उसे लेकर आगे जाएंगे, और उसी के हिसाब से हम कहेंगे that is known to be as our coefficients of variations. क्या है वो, हमारे coefficients of variations हैं, कि जितने भी हमारे पास variations exist कर रहे हैं या होने चाहिए, that is known to be as our coefficients of variations. Now another table calculating standard deviation of losses. अब देखें यहाँ पे क्या है, losses आए 10, 20, 30, 40, 50, mean losses क्या आ रहे हैं, अब जाहिर बात है इनका mean लिया हमने 50, 40, 90, 120, 120 plus 30, 150 आ रहा है ना, 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड किया कितना आना चाहिए 30, तो यहां पे लॉसेस कितने आ रहे 30 सेम है. मैंने क्या किया, लॉसेस माइनस मीन लॉसेस, और उसका आंसर ये निकाल दिया. डेविएशन आई है कितनी जी, लॉसेस 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 माइनस 30 10, 0, 10, 20, या मैंने हर एक की वैल्यूज निकाल ली कि हमारे पास ये वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं और इसी वैल्यूज के हिसाब से हमने उसे आगे लेकर चलना है. इसका स्क्वायर लिए 400 आया, इसका स्क्वायर लिए 100 आया, इसका स्क्वायर लिए 0 आया, इसका स्क्वायर लिए 100 लिया, इसका 400, तो मेरे पास क्या आ गई, स्क्वायर डेविएशन आ गई. अब मैं क्या करूंगा, 1000 को डायरेक्ट डिवाइड करूंगा किससे, कितने थे 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड कर दिया, और उसके बाद मैंने इसका क्या कर दिया, अंडर रूट ले लिया डायरेक्ट, तो 200 का अंडर रूट ले लिया हमने, तो 200 का अंडर रूट कितना आ रहा है, दैट इज ऑफ 14.14. क्या आ रहा है हमारे पास, 14.14 आ रहा है, और ये हम लोग कहेंगे कि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी आ रही है, दैट इज 14.14. यानी आपके पास अगर मैं मीन लाइन ये बताऊं
तो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है कि 14.14 वो ऊपर भी जा सकती है, 14.14 वो नीचे भी आ सकती है. यानी ये डायमेंशंस क्या हैं, ये ऑन द बोथ साइड्स हैं. यानी ये ऊपर भी जा सकती है और साथ ही क्या हो सकता है, ये नीचे भी आ सकती है. यानी ऑन द बोथ साइड्स इट कुड वर्क, यानी कि ये बोथ साइड्स पे ये वर्क कर सकती है और ये ऊपर या नीचे दोनों साइड पे ट्रेवल कर सकती है या दोनों साइड पे ये जा सकती है कि किस तरह से हमने इसे मूव करना है. तो यानी हमारे पास जितना भी हमारे पास वैल्यूएशन आएंगे दैट इज ऑन द 14.14 जो हमारे पास वैल्यूएशन आ रही है. यहाँ यार इतनी वैल्यूएशन हुई तो देन इट वुड बी फाइन, और इसी के हिसाब से हमने इसकी वैल्यूएशन को लेकर आगे चलना है. तो दिस इज द मेथड, यानी ये याद रखिएगा ये मेथड है हमारे पास. लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये जो मेथड है ये तब वर्क करता है जब मेरे पास हिस्टोरिकल डेटा हो. लेकिन जब मेरे पास हिस्टोरिकल डेटा नहीं होता तो मुझे इस इनके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ मीन लॉसेज इस तरह नहीं निकालने होते, बल्कि क्या दी हुई होती है साथ प्रोबेबिलिटी. या तो एक चीज गिवन होती है, या तो प्रोबेबिलिटी गिवन होती है या ओवरऑल मीन आप डिवाइड से निकालते हैं. जब हिस्टोरिक डेटा है तो यू डिवाइड, अदरवाइज फ्यूचर के ऊपर बात कर रहे हैं तो यू रिक्वायर अ प्रोबेबिलिटीज. क्या चाहिए होता है आपको, प्रोबेबिलिटीज चाहिए होती हैं जो आपको गाइड करते हैं और उसी के हिसाब से हम आगे चल रहे होते हैं. लॉस डिस्ट्रीब्यूशंस यूज्ड इन रिस्क मैनेजमेंट, कि कितनी लॉस डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो रिस्क मैनेजमेंट में यूज की जाती है. टू फॉर्म एन एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, टू फॉर्म एन एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस रिस्क मैनेजर एक्चुअली ऑब्जर्व दैट इवेंट अकर्स. टू फॉर्म एन एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिस्क मैनेजर्स एक्चुअली ऑब्जर्व दैट द इवेंट विल अकर. रिस्क मैनेजर का काम क्या होता है, दैट दे शुड चेक दैट द इवेंट मस्ट अकर. इवेंट का अकरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इवेंट ने अकर होना जरूरी है, और इवेंट अकर होगा तो ही आगे चलेगी बात, वरना नहीं चल पाएगी. टू क्रिएट अ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला. यानी कि अगर आपने थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी है तो यू शुड यूज अ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला, जिसमें मैथमेटिकल फॉर्मूला है. वाइडली यूज्ड बाय थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन यूज इंक्लूड्स बायनोमियल नॉर्मल एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. यानी कि वाइडली यूज थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स बायनोमियल नॉर्मल एंड पॉइसन. यानी तीनों तरह की हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन हैं. वन इज नोन टू बी एज अ बायनोमियल नॉर्मल एंड पॉइसन. फर्स्ट स्टार्टिंग विद द बायनोमियल, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्या कहते हैं और किस तरह से ये वर्कआउट करते हैं. सपोज दैट द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट विल अकर एट अ पॉइंट इन टाइम पी is p, the probability q that event will not occur is 1 minus p, yani p is success, to failure kya hoga, 1 minus p, yani p is the probability of success and 1 minus p is the probability of failure. aur ye to understood si baat hai ki 100% se upar probability nahi ho sakti, isse upar ki probability nahi hai. one can calculate how often an event will happen with the binomial formula, indicate that the probability r event in an n possible time equals to n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल q एंड r. यानी कि जब भी हम पाइनोमियल की बात करते हैं तो दैट मींस n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इनटू p r q n माइनस r q n माइनस r. यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ r इवेंट्स, r नंबर ऑफ इवेंट्स इन n पॉसिबल टाइम इक्वल्स, यानी कि r नंबर ऑफ इवेंट्स हो और n पॉसिबल टाइम में हो तो उसका फॉर्मूला सिंपल है, वो ये है दैट इज बायनोमियल. कि जब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, That is related to binomial है. यानी किससे relate कर रही हो, binomial से relate कर रही हो. तो जब वो binomial से relate कर रही हो, that means आपकी probability distribution उसी के हिसाब से variate कर रही होंगी, कि हाँ जी इतनी probability distributions है जो हमारे सामने exist कर रही हैं और उसी के हिसाब से हमने उसकी value को आगे लेकर जाना है. तो दैट इज नोन टू बी एज आर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस, कि यहां पे हमारे पास ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस एग्जिस्ट कर रही हैं. अच्छा, ये फार्मूला कुछ ऐसे भी हो सकता है कि n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r i n माइनस r फैक्टोरियल और उसके बाद इनटू p r 1 माइनस p n माइनस r भी हो सकता है, वन एंड द सेम थिंग. दैट मींस q इक्वल्स टू 1 माइनस पी, बिकॉज क्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को हमने क्या कहा है, 1 माइनस पी. क्या कहा है उसे हमने, 1 माइनस पी. नाउ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज बेस्ड ऑन सेंट्रल लिमिट थ्योरम. किस पे बेस कर रहा होता है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम. और सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहता है, दैट इज द बेल शेप्ड.
اس پہ بات کرتا ہے وہ بیل شیپ کہ ہاں جی ہمارے پاس سینٹر ویلیو یہاں سینٹر میں لائے کرے گی، 0.5 کی پروبیبلٹی اس طرف ہے، 0.5 کی پروبیبلٹی اس طرف ہے، دونوں طرف 0.5 0.5 ہے. اسٹیٹس دیٹ ایکسپیکٹڈ ریزلٹ فار ا پول اور پورٹ فولیو آف ا انڈیپینڈنٹ آبزرویشن کین بی اپروکسیمیٹلی بائی ا نارمل ڈسٹریبیوشن. یعنی ابھی ہم نے آگے فگر بھی دکھائیں گے کہ جس میں ہم نے نارمل ڈسٹریبیوشن کو ڈرا کیا، اور نارمل ڈسٹریبیوشن یہی کہتا ہے کہ دونوں طرف کی ویریشن برابر ہیں، اور وہ یہی اسٹیٹ کرتا ہے کہ دے ایگزٹ اے سینٹرل لمٹ تھیورم اینڈ بیل شیپ پرفیکٹلی ہوتا ہے اور اس کی گراف بھی ہے. اف رسک مینیجر نوز دیٹ دیئر لاس ڈسٹریبیوشن آر نارمل دے کین اسیوم دیٹ دیز ریلیشن شپس ہولڈز. یا اگر اسے پتہ لگ جائے کہ نارمل ڈسٹریبیوشن واقعی میں ایگزٹ کرتی ہے، کیا کرتی ہے، واقعی میں ایگزٹ کرتی ہے اینڈ دیز ریلیشن شپس ہولڈز، دے کین پریڈکٹ دیٹ دا پروبیبلٹی آف گراس لاس لیول اکرنگ اور دا پروبیبلٹی آف لاس بینگ ود ان دا رینج سینٹرل رینج آف مین، یعنی سرٹن رینج آف مین پہ وہ یہاں پہ ایگزٹ کر رہی ہوتی ہیں. کہاں پہ؟ یہاں پہ ایگزٹ کر رہی ہوتی ہے. دے کین پریڈکٹ دا پروبیبلٹی آف گیون لاس لیول، پریڈکٹ کر سکتے ہیں گیون لاس لیول کو اکرنگ لاس لیول اکرنگ اور دا پروبیبلٹی آف لاس بینگ ود ان دا سرٹن رینج آف مین، یعنی کہ لاسز بینگ ود ان ا سرٹن رینج آف مین، کہ سرٹن رینج آف مین پہ آ جائے گا. بائنومیل ڈسٹریبیوشنز ریکوائرز ویریبلز، یعنی بائنومیل ڈسٹریبیوشنز جو ہوں گی وہ دیٹ ریکوائرز ویریبلز ٹو بی ڈسکریٹ، کہ بائنومیل کے لیے ضروری ہے کہ ویریبلز میں چینجز ڈسکریٹ آئے، پوائنٹس میں نہ آئے. پوائنٹس میں آئے گا تو دیٹ مینس یو ہیو ٹو فالو نارمل، ادروائز ڈسکریٹ ہونا ضروری ہے فار بائنومیل، کہ بائنومیل کے لیے اس کے لیے ڈسکریٹ ہوگا تو ہی بائنومیل آگے موو کرے گا، ادروائز بائنومیل موو نہیں کرے گا. دیٹ از سم تھنگ نارمل ڈسٹریبیوشنز کین ہیو ا کنٹینیوس ویریبلز، کہ اس کے پاس کنٹینیوس ویریبلز ایگزسٹ کر سکتے ہیں اور وہ کنٹینیوس ویریبلز کے حساب سے ہی آگے لے کر چلے گا. سو دیٹ مینس کہ نارمل ڈسٹریبیوشن کین ہیو کنٹینیوس ویریبلز، کہ اس کے پاس کیا چیز ہوں گی، کنٹینیوس ویریبلز ایگزسٹ کر رہے ہوں گے. سو دیٹ مینس نارمل ڈسٹریبیوشن سینٹرل لمٹ تھیورم پہ بیس کر رہا ہوتا ہے، اور اسے پتا ہو کہ اگر سینٹرل مینیجر کو کہ ہاں جی اس کے اندر کیا کیا لاسز آ رہے ہیں تو دے کین ہیو دیز ریلیشن شپس، وہ ایزیلی پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ پروبیبلٹی آف گراس گیون لاس لیول اکرنگ اور دا پروبیبلٹی آف لاس بینگ ود ان دا سرٹن رینج آف مین، کہ سرٹن رینج آف مین میں اس کی لاس لیولس کیا ہیں اور کس طرح سے وہ لاس لیولز ہمارے سامنے آتے ہیں. بائنومیل ڈسٹریبیوشنز ریکوائرز ویریبلز ٹو بی ڈسکریٹ، کہ ویریبلز کو کیا کہتا ہے، ٹو بی ڈسکریٹ، اینڈ نارمل ڈسٹریبیوشنز کین ہیو ار کنٹینیوس ویریبلز، نارمل ڈسٹریبیوشن کے اندر کنٹینیوس ویریبلز ایگزسٹ کر رہے ہیں. دیز آر دا ٹیبلز، نارمل پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن آف 500 لاسز، یہاں پہ کتنا ہے 500 لاسز ہیں، ہم یہاں دیکھیں 5 سے 950 پہ جا رہے ہیں، اب یہاں 8.5 to 9.5، اب یہ ہمارے پاس سینٹر ہے، یہ ہمارے پاس کیا چیز آ رہی ہے، دیٹ از سینٹر. جب سب سے نیچے بھی بات کرتے ہیں، کس پہ بات کرتا ہوں میں، سب سے نیچے بھی بات کرتا ہوں، یاد رکھیے 99% پروبیبلٹی ہے کہ اس کے اندر لائے کرے گا، 95% پروبیبلٹی کہ اس کے اندر لائے کرے گا، اور 68% پروبیبلٹی کہ وہ اس کے اندر لائے کرے گا. یعنی ہر ایک کی پروبیبلٹی اس کو ہمارے سامنے کلیئر کٹ پتا لگ رہا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں تو 50 اور 350 کتنا ڈیفرنس ہے یہاں پہ ہمارے پاس، ایک سینڈ ڈیویشن کا اور یہاں پہ بھی، تو اس کا مطلب ہے اگر ایک سینڈ ڈیویشن ادھر گیا، ایک سینڈ ڈیویشن ادھر گیا، دونوں سائڈ پہ گیا، ایک ایک سینڈ ڈیویشن گیا، تو ہمارے پاس 68% آئے گا. ایک سینڈ ڈیویشن اور ادھر گیا، ایک سینڈ ڈیویشن اور گیا، تو اس کا مطلب 95% ہے. اور ایک سینڈ ڈیویشن اور گیا، ایک سینڈ ڈیویشن اور گیا، تو یاد رکھیے گا 99% پہ ہے. تو 68, 95 اینڈ 99، یہ تینوں لیولز ہیں جس پہ چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں، یعنی تینوں چیزوں پہ ہمارے پاس ڈفرنٹ لیولز ایگزسٹ کر رہے ہیں اور اسی کے حساب سے ہماری نارمل ڈسٹریبیوشنز ہیں. اور اس پہ رول کس کا آ رہا ہے، دیٹ از آف سگما، کس کا رول آ رہا ہے اس میں، سگما کا رول آ رہا ہے کہ سگما ہم نے کس طرح سے اور کیسے میئرمنٹس دینی ہیں اور کس طرح سے میئرمنٹس ہمارے سامنے آنی ہیں. تو دیٹ از وٹ وی نون ٹو بی ایز ار سگما. تو یہاں پہ ہمارے پاس 500 350 200، یعنی ایک طرف انکریزنگ کی طرف جا رہے ہیں اور دوسری طرف ایک ہم ڈیکریزنگ کی طرف جا رہے ہیں، کہ ہم نے اسے ڈیکریز کس طرح اور کیسے کر رہے ہیں، اور جیسے ہی ہم اسے ڈیکریز کریں گے تو دیٹ واز بینگ سین کہ وہ کیسے ڈیکریز ہوگا. ناؤ دا نیکسٹ ون از دا پوائزون ڈسٹریبیوشن، کسی طرف جا رہے ہیں ہم، پوائزون ڈسٹریبیوشن کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم نے پوائزون ڈسٹریبیوشن کیسے اور کس طرح کرنی. ڈیٹرمن دا پروبیبلٹی آف این ایونٹ یوزنگ دا فالوئنگ فارمولا، یعنی کس کو فارمولے کو یوز کریں گے، مین آف دا ڈسٹریبیوشن اینڈ آلسو ویریئنس، سٹینڈ ڈیویشن از ایکول ٹو اسکوائر روٹ آف ایم. اب یہ کیا فارمولا، یہ دیکھیے گا، دیٹ از پی ایم آر ای مائنس ایم اوور آر فیکٹوریل.
अच्छा ये साइन जो है फैक्टोरियल का है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ क्या, स्टैंड डिवीजन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम। स्टैंड डिवीजन किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ एम। तो इसका मतलब है एम जो है वो हमारे पास वेरियंस है, तो वेरियंस की पावर आर हुई, ई की पावर वेरियंस माइनस वेरियंस है डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल, दैट इज नोन टू बी एज आर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है ये, हमारे पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है कि हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे और किस तरह से आगे लेकर चलना है। जैसे भी हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को आगे लेके जाएंगे तो दैट इज व्हाट वी नोन टू बी एज आर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, के हमारे पास उसी से रिलेटेड ये चीजें एक्जिस्ट कर रही हैं। तो दीज आर नोन टू बी एज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। और ये क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यूजिंग फॉलोइंग फार्मूला, के फार्मूले के साथ साथ इसकी इवेंट की वैल्यूज चल रही हैं। अब यहां क्या देखें, पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, पी इज दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एन अकर्स, आर नंबर ऑफ इवेंट्स फॉर विच प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट इज नीडेड, कितने इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट्स रिक्वायर्ड है, एम इज मीन एक्सपेक्टेड लॉस फ्रीक्वेंसीज, ये कितना मीन है एक्सपेक्टेड लॉस फ्रीक्वेंसी का, माइनस ई कांस्टेंट दैट बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम इक्वल्स टू 2.7, यानी ये वो ई है जिसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल। क्या है ये, एक्सपोनेंशियल है जिसकी वैल्यू क्या होती है 2.718। क्या वैल्यू होती है उसकी, 2.718 जिसकी वैल्यू होती है, दैट इज नोन टू बी एज आर ई। क्या होती है ये, हमारे पास ई की वैल्यू होती है और ई के हिसाब से हमने इसे आगे लेकर चलना होता है। पॉइजन एज द नंबर ऑफ एक्सपोजर यूनिट इंक्रीजेज एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस डिक्रीजेज, यानी क्या, एज द नंबर ऑफ एक्सपोजर यूनिट इंक्रीजेज एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस डिक्रीजेज, द माइनल बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स मोर एंड मोर लाइक द पॉइनोमियल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। कि जब हमारे पास एक्सपोजर यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस कम हो रही है, तो याद रखिएगा बायनोमियल एक तरह से पॉइजन बन जाती है। क्या बन जाती है वो, binomial distributions becomes Poisson distribution, most desirable when more than 50 independent exposure unit exist, ये तब सबसे ज्यादा desirable होती है जब more than 50 independent exposure units exist, कि जब हमारे पास 50 से ज्यादा independent exposure units exist कर रहे हैं, the probability that any one item will suffer a loss is 0.1, अच्छा यहाँ probability कितनी होती है, that any item will suffer a loss of 0.1 or less, यानी ये तब मोर व्हेन मोर देन 50 इंडिपेंडेंट एक्सपोजर यूनिट एक्जिस्ट, और हर एक की प्रोबेबिलिटी 0.1 से लेस हो, या 0.1 हो या 0.1 से लेस हो रही हो। तो जब 0.1 से लेस हो रही है तो दैट मींस एनी यूनिट्स कैन बी देयर, और उसी यूनिट के हिसाब से हमने उसे आगे लेकर चलना होता है। इंटीग्रेटेड रिस्क मेजर्स है, जैसे मैंने पहले ही बात की थी वैल्यू एट रिस्क, कंस्ट्रक्ट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क अलोन एंड वेरियस कॉम्बिनेशन, कई दफा अकेला भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा होता है, कभी वेरियस कॉम्बिनेशंस के साथ भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस बन रही होती हैं। टू ऑब्टेन एस्टिमेट्स ऑफ रिस्क ऑफ लॉसेस टू वेरियस प्रोबेबिलिटी रिस्क लेवल्स, यानी ये रिस्क ऑफ लॉस की प्रोबेबिलिटीज एट वेरियस लेवल्स लेके आता है, यील्ड्स अ न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ अ मैक्सिमम एक्सपेक्टेड लॉस इन अ स्पेसिफिक टाइम एट अ गिवन प्रोबेबिलिटी लेवल, यानी कि न्यूमेरिकल स्टेटमेंट आती है कि मैक्सिमम एक्सपेक्टेड लॉस इन अ स्पेसिफिक टाइम कितना है एंड एट अ गिवन प्रोबेबिलिटी लेवल कितना है, प्रोवाइड्स अ फर्म विद द असेसमेंट ऑफ ओवरऑल इंपैक्ट ऑफ अ रिस्क ऑन फर्म, यानी प्रोवाइड करता है इस फर्म विद एन असेसमेंट ऑफ ओवरऑल इंपैक्ट, यानी प्रोवाइड द फर्म विद एन असेसमेंट ऑफ ओवरऑल इंपैक्ट, कि कितने इंपैक्ट आ रहे हैं फर्म पे और रिस्क ऑफ अ फर्म, कंसिडर कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रिस्क, ये भी कंसिडर करता है कि कितना कोरिलेशन आ सकता है टूवर्ड्स डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रिस्क, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रिस्क में कितना वैल्यूशंस आ सकती हैं। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल अटेम्प्ट्स टू एलोकेट रिस्क कॉस्ट टू मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ अ फर्म, कि डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ फर्म में वो उसको एवेल्युएट कर रहा होता है या डिफरेंट एक्टिविटीज में उसको डाल रहा होता है। Assesses how much capital would be required by organization or a various activities to keep the probability of bankruptcy below the specific level. ये भी assess करता है कि इन्हें कितनी additional capital required है ताकि ये bankruptcy से बच के रहें या बचे रहें, ताकि यहाँ वहाँ पे bankruptcy नहीं है। और आपको पता भी है bankruptcy दो types की होती है, chapter 9 and chapter 11. So that means they are going to save from both bankruptcy, that is chapter 9 and chapter 11. यानी हर तरह की bankruptcy से हम लोग बचे रहें। Accuracy of prediction. There is also exists the accuracy of predictions. के predictions की accuracy है. A question of interest to risk manager. क्या होता है risk manager का question of interest? How many individual exposure units are necessary? यानी कितने exposure units are necessary before a given degree of accuracy can be achieved? यानी कितने exposure unit हो before
A given degree of accuracy is achieved in obtaining an actual loss frequency. Obtaining क्या करना है हमने obtain actual loss frequency that is close to the expected loss frequency. And achieved in obtaining the actual loss frequency that is close to the expected loss frequency. यानी expected loss and actual loss frequencies में जो difference है उसी के हिसाब से predictions चल रही होती हैं. The number of losses for a particular firm must be fairly large to accurately predict future losses. The number of losses for particular firm एक पर्टिकुलर फर्म की कितने नंबर ऑफ लॉसेस हैं मस्ट बी फेयरली लार्ज. फेयरली क्या होंगे? लार्ज टू एक्यूरेटली प्रिडिक्ट फ्यूचर लॉसेस. क्या जैसे हम लोग एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकें फ्यूचर लॉसेस को, यानी लॉसेस ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म मस्ट बी फेयरली लार्ज, कि जब आपके लॉसेस फर्म के लार्ज हैं टू एक्यूरेटली प्रिडिक्ट फ्यूचर लॉसेस, कि जिससे हम एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकें क्या चीज, फ्यूचर लॉसेस को, कि हमारे पास फ्यूचर लॉसेस एक्यूरेटली प्रिडिक्ट हो रहे हैं. Law of large number. Degree of objective risk is meaningful only when the group is fairly large. यानी objective risk तब निकल सकता है जब आपके पास group जो group है यानी कि जिसका आप loss निकाल रहे हैं that is fairly large. यानी कि जो बहुत बड़ा हो. States that as the number of exposure unit increases, the more likely it becomes the actual loss. जितने exposure unit बढ़ेंगे actual loss की chances उतने ही हैं. Will equally probable loss experience, और उसमें क्या आ जाता है, equal loss probable experience आ जाता है. Two most important applications, कौन कौन सी दो most important applications हैं? As the number of exposure unit increases, the degree of risk decreases. जितने exposure units बढ़ जाते हैं उतना ही degree of risk बढ़ जाता है, और उतने ही degree of risk बढ़ेगा तो उसी के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चलेंगे. Given a constant number of exposure units, given a constant number of exposure unit as the chance of loss increases, यानी जब भी exposure units हमारे पास constant number of exposure units बढ़ जाएंगे, as the chance of loss increases, जैसे ही हमारे पास chance of loss बढ़ जाएगा, the degree of risk decreases, यानी chances of losses हमारे पास बढ़ जाएंगे, degree of risk decreases, यानी constant number of exposure units, as the chances of loss increases, the degree of risk decreases, यानी chances of loss बढ़ जाएंगे, तो degree of risk कम हो रहा होगा. That is known to be as our law of large numbers. Number of exposure units required. Question arises as how much error is introduced when group is not sufficiently large. यानी कितना हमने का error लेके आना चाहिए जब हमारे पास group बड़ा नहीं है, क्योंकि देखिए जरूरी तो नहीं कि हर दफा group बड़ा हो तभी हमने loss को measure करना है, नहीं. फिर क्या करना है अगर हमारे पास group छोटा हो? Required assumption, each loss occurs independently. ये assumption ले रहे हैं कि हर loss occur independently हुआ of each other loss, and the probability of losses is constant from occurrence to occurrence. यानी each loss जो है independent हुआ और probability of loss is constant from occurrence to occurrence. कि ये वाला जो आपके पास probability of loss है वो same है from occurrence to occurrence, कि हमारे पास जो भी occurrence आ रही है उसके हिसाब से वो varied है. Formula is based on the knowledge that numerical distribution is an approximation of binomial distribution. यानी कि normal distribution is then approximation of binomial distribution. Known percentages of losses will fail within one. यानी कि known percentage of losses जो है that should fall within 100%, 200% or 3 or more standard deviation of mean. यानी more standard deviations भी हमारे सामने exist कर सकती हैं, कि ये हमारे पास इतनी existence में आ रही हैं और इतनी existence में हमारे सामने नजर आ रही हैं, that is known to be as our standard deviation of the mean, कि हमारे पास mean value से इतनी standard deviations हमारे पास नजर आ रही हैं, कि that much standard deviation must be there. And that is S square. अब क्या है यहाँ पे N? S square P 1 minus P E की power square. यानी E की power 2 आ रही है हमारे पास. अब यहाँ क्या है? Value of S indicates the level of confidence that can be stated for result. यानी कितना आपको confidence है? If F S is 1, it is known that 68% that will loss. अब यहाँ S 1 means S D 1. If that there is the known for the 95%. और यहाँ formula देखिए क्या है? S यहाँ पे आ रहा है. P और V और E is हमारे पास that is expected levels, और यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ रहा है 95%. Fundamental truth about the risk management, क्या fundamental truth है that exists for the risk management. If the probability of loss is small,
और अ लार्जर नंबर ऑफ एक्सपोजर यूनिट इज नीडेड. अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस बहुत स्मॉल है तो याद रखिएगा लार्जर नंबर ऑफ एक्सपोजर यूनिट्स इज नीडेड फॉर एक्सेप्टेबल डिग्री ऑफ रिस्क. कि एक्सेप्टेबल डिग्री ऑफ रिस्क के लिए हमें एक्सपोजर यूनिट्स चाहिए. देन इज कॉमनली रिकग्नाइज की जितनी भी हमने कॉमनली रिकग्नाइज की उससे ज्यादा ही हमें एक्सपोजर यूनिट्स रिक्वायर्ड हैं. और जितने भी हमें एक्सपोजर यूनिट्स रिक्वायर्ड हैं हमने उसी के हिसाब से उसकी वैल्यूएशंस करनी है और वैल्यूएशंस करके सामने लाना है कि दैट इज आर एक्सपोजर यूनिट्स और उसी एक्सपोजर यूनिट्स को लेकर सामने चलना. दैट इज नंबर ऑफ एक्सपोजर यूनिट्स रिक्वायर्ड और एक्सपोजर यूनिट्स हमने उसी फार्मूले से निकालना है जो अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा है. सो दैट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट वी रिक्वायर फॉर द एक्सपोजर ऑफ रिस्क. So that's the end of the chapter number 4 that we have studied. Chapter number 3 end हुआ है, lecture 4 था. और chapter number 2 को हमने अभी तक completely identify किया है कि हमारे पास क्या-क्या चीजें थी इसमें. हमने Poisson distribution, last time हम लोगों ने standard deviations देखी थी, इस दफा हमने further distributions देखी हैं, further identifications देखी हैं, कौन-कौन सी distributions follow हो सकती हैं, कौन-कौन सी नहीं हो सकती. हमने इसमें दूसरी type की भी standard deviation सीखी. So we have completed this chapter on overall basis, and in the next lecture we are going to start our chapter number 3. And that is regarding some other topics of the risk management. And then we are going to see ke usme further hamare paas kya hai. And we are going to explore it in a much detailed manner. So that's the end of the lecture number 4. Allah Hafiz.